जी, लास्ट लेक्चर में जो है हम लोगों ने सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया था, और हमने कहा था कि उसका हमें प्रैक्टिकली कोई एडवांटेज नहीं होता। सिर्फ जो हमें उसका एडवांटेज है वो ये है कि एक अच्छी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है, ठीक है। और आई होप आप लोगों ने जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज कंपेयर की होंगी अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट की और सॉर्टेड लिंक लिस्ट की। अभी लिस्ट की आखिरी जो वेरिएशन हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वो हमारे पास एरे बेस्ड सॉर्टेड लिस्ट है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एरे बेस्ड सॉर्टेड लिस्ट को, और उसके मेन फंक्शंस तो हमारे पास वही रहेंगे जो हमारे पास अनसॉर्टेड एरे बेस्ड लिस्ट के थे। उसका कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, असाइनमेंट ऑपरेटर को जो ओवरलोड करेंगे, इंसर्ट के अंदर हमारे पास थोड़ी सी चेंज आ जाएगी। इंसर्ट के अंदर क्या चेंज आएगी, लेट्स से हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर हम लोग वैल्यूज जो है वो स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास 6 एलिमेंट्स है, चले 7 एलिमेंट्स ले लेते हैं। 7 एलिमेंट्स की हमारे पास एरे है जिसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज को स्टोर करवाना है। अब फर्स्ट वैल्यू हमारे पास, लेट्स से हम लोगों ने एक लिस्ट ले ली, उसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट वैल्यू जो इंसर्ट की एल डॉट इंसर्ट, हम लोगों ने 5 इंसर्ट की। तो वी नो के हमारे पास 5 जो है वो इंडेक्स 0 पे जाके उसने स्टोर हो जाना है, ठीक है। अब 5 के बाद जब हम लोगों ने 2 को इंसर्ट किया, नाउ दिस 5 2 शुड बी इंसर्टेड इन प्लेस ऑफ 5, राइट। सो द 5 शुड मूव ऑनवर्ड्स, राइट। इट शुड क्रिएट अ स्पेस फॉर 2 एंड देन वी विल इंसर्ट 2 इन स्पेस इंसर्ट ऑफ 5 इन द स्पेस ऑफ 5। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अब हम लोगों ने 2 के लिए स्पेस क्रिएट करनी है, ठीक है। तो 2 के लिए हम लोग स्पेस किस तरह क्रिएट करेंगे कि 5 को जो है वो हम लोगों ने आगे मूव कर दिया और यहाँ पे हम लोग 2 को ले आए, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग, उसके लिए अगर हम लोग बिजनेस लॉजिक लिखें तो मे बी इट वुड बी अ गुड आइडिया टू स्टार्ट मूविंग द एलिमेंट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो हम लोग जिस तरह 2 को जब हम लोगों ने इंसर्ट करना था तो लास्ट इंडेक्स जिस पे हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारे पास इंडेक्स 0 पे वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। जस्ट लेट अस चेक चेक के जो कंस्ट्रक्टर है उसमें n को 0 से इनिशलाइज किया था, तो जो फर्स्ट वैल्यू हम लोगों ने इंसर्ट की थी तो हमारे पास जो n की वैल्यू है वो हमारे पास 1 थी। जब 5 को इंसर्ट किया था तो n की वैल्यू 1 थी, ठीक है। अब हम लोगों ने शुरू क्या करना है कि लेट से 1 से ही हम लोग जो है वो शुरू कर लेते हैं, और अगर हमारे पास बेसिकली हम लोगों ने ये देखना है कि 2 की जगह कहाँ पे बनती है, ठीक है। 2 की जगह हमारे पास कहाँ पे बनेगी कि हमारे पास अगर जो है वो 2 जो है वो 5 से छोटा है तो 5 को हम लोग आगे मूव कर देंगे, ठीक है। तो अब फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, हम लोग ये देखेंगे कि 2 जो वैल्यू हम लोगों ने इंसर्ट करनी है वो 5 से छोटी है तो 5 को हम लोग आगे मूव कर देंगे, ठीक है। और अब इससे पहले हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, आई को लेट्स अगर हम लोग एन से इनिशियलाइज करते हैं तो आई की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, और मेन हो के 0 से पहले कोई एलिमेंट नहीं है जैसे शिफ्ट करें तो यहाँ पर हम लोग रुक जाएंगे, और जो भी हमारे पास स्पेस बनेगी वहाँ पर हम लोग उस वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लॉजिक लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देख लेंगे कि अगर हमारे पास जो है वो एरे फुल हो गई है तो हम लोग एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास एरे जो है वो फुल नहीं होती तो बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, वो इंडेक्स हम लोगों ने फाइंड करना है जहाँ पे हम लोगों ने उस वैल्यू को स्टोर करवाना है, और उस इंडेक्स पे हम लोग नई वैल्यू जो है वो स्टोर करवा देंगे। तो अब लेट्स से लिस्ट में हमारे पास पहले से जो है वो 5 पड़ा हुआ है, ठीक है, और अब 2 जो है वो हम लोगों ने इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास वाइल लूप एक हम लोग लगा लेते हैं। पहली कंडीशन ये होगी, अच्छा इससे पहले आई को इनिशियलाइज करा लेंगे ना, आई इज इक्वल टू एन, एन से भी इनिशियलाइज करा सकते हैं, n-1 से भी इनिशियलाइज करा सकते हैं, इट्स अप टू अस। अब देखें जब हमारे पास लिस्ट के अंदर जो है, या चलें एक एम्प्टी लिस्ट से हम लोग शुरू कर लेते हैं। एम्प्टी लिस्ट है तो हमारे पास एन जो है वो हमारे पास 0 है, ठीक है। अभी एम्प्टी लिस्ट है, अभी हम लोगों ने 5 को जो है वो इंसर्ट नहीं किया, एन जो है वो हमारे पास 0 है। तो आई को हम लोगों ने 0 से शुरू करा लिया, जब आई की वैल्यू हमारे पास 0 है तो तब हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो हम लोग ये कहेंगे कि वाइल आई इज़ ग्रेटर देन 0, पहली तो कंडीशन ये होगी
कि आई से पहले कोई एलिमेंट होना चाहिए। अब क्योंकि जीरो एलिमेंट्स हैं और इंडेक्स जीरो जीरो पे अभी हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग इस लूप में कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, डाटा आई इज इक्वल टू वैल करेंगे, आई की वैल्यू हमारे पास जीरो है क्योंकि एन की वैल्यू जीरो थी, और डाटा आई इज इक्वल टू वैल किया तो इंडेक्स जीरो पे हमारे पास फाइव स्टोर हो गया, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास फाइव स्टोर हो गई, ठीक है, इंडेक्स जीरो के ऊपर। जब फाइव को स्टोर किया तो एन की वैल्यू हमारे पास वन हो गई। अब हम लोग जब फाइव के बाद टू को इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि आई को हम लोगों ने इनिशियलाइज किया एन से, एन के अंदर वन पड़ा हुआ है, ठीक है, एंड व्हाइल आई इज ग्रेटर देन जीरो, आई के अंदर अब हमारे पास वन आ जाएगा, वन इज ग्रेटर देन जीरो टू, हम लोग इस लूप के अंदर आ जाएंगे। इस लूप के अंदर आने से पहले हम लोग एक और चीज़ भी चेक कर लेते हैं कि जो वैल्यू हम लोग इंसर्ट करने जा रहे हैं क्या वो इंडेक्स आई माइनस वन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उससे छोटी है, क्योंकि देखें आई को एन से इनिशियलाइज किया तो आखिरी वैल्यू जो है वो इंडेक्स आई माइनस वन पे पड़ी होगी। तो हम लोग ये कहते हैं कि इफ़ वैल इज लेस देन डेटा आई माइनस वन, इसका क्या मतलब है, वैल में टू पड़ा हुआ है, आई में जो है वो हमारे पास अभी वन पड़ा हुआ है, आई माइनस वन में जीरो पड़ा होगा, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि टू जो है वो हमारे पास डेटा जीरो में जो वैल्यू पड़ी हुई है उससे छोटा है या नहीं। नाउ टू इज लेस देन दिस वैल्यू, राइट, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसकी शिफ्टिंग कर लेंगे, और शिफ्टिंग हम लोग कैसे करेंगे कि डेटा आई इज इक्वल टू डेटा आई माइनस वन को, उसको एक स्टेप आगे शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास जो है वो डेटा आई में वन पड़ा हुआ है, डेटा आई माइनस वन में जो है वो हमारे पास फाइव पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि डेटा आई में डेटा आई माइनस वन की वैल्यू कॉपी करती, दैट मीन्स के फाइव हमारे पास इंडेक्स जीरो पे भी पड़ा हुआ होगा और इंडेक्स वन पे भी हमारे पास उसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। अब हम लोग दोबारा और यहाँ पे ऑफकोर्स आई को डिक्रीमेंट कर देंगे, आई माइनस माइनस कर देंगे। अब जब आई माइनस माइनस किया तो फिर हम लोग जब लूप के शुरू में आए तो अब आई की वैल्यू हमारे पास जीरो हो चुकी है, जीरो इज ग्रेटर देन जीरो फॉल्स, हम लोग इस लूप से बाहर आ जाएंगे, आई की वैल्यू हमारे पास क्या है जीरो, इंडेक्स जीरो पे वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो ये वैल्यू स्टोर करा देंगे, ठीक है। तो टू और फाइव, फाइव हमारे पास आगे शिफ्ट हो जाएगा, टू इधर आ जाएगा। अब लेट्स से अगर हम लोग सेवन को इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है, तो अब सेवन को इंसर्ट करने के लिए क्या होगा, एन की वैल्यू हमारे पास जो अब टू हो चुकी है, ठीक है, आई को हम लोग एन से इनिशियलाइज करते हैं, आई के अंदर भी टू आ गया, टू इज ग्रेटर देन जीरो, यस टू इज ग्रेटर देन जीरो, वैल में क्या है सेवन, सेवन इज लेस देन डेटा आई माइनस वन, डेटा आई माइनस वन में क्या पड़ा हुआ है फाइव पड़ा हुआ है, सेवन इज लेस देन फाइव फॉल्स हो गया, हम लोग इधर से बाहर आ गए, और फिर इंडेक्स आई के ऊपर ही हम लोगों ने वो वैल्यू जो है वो स्टोर करा दी, तो आई के अंदर क्या पड़ा हुआ था टू पड़ा हुआ था, तो इंडेक्स टू पे हमारे पास वैल्यू स्टोर हो जाएगी, एन जो है वो हमारे पास आगे चला जाएगा। अब एक लास्ट वैल्यू वन इंसर्ट करके देख लेते हैं, अब वन के लिए हमारे पास क्या होगा, वन के लिए हमारे पास हम लोग जहाँ से जब शुरू करेंगे तो i और n के अंदर जो है वो हमारे पास थ्री पड़ा हुआ होगा। पहली कंडीशन हम लोग चेक करते हैं, i इज ग्रेटर देन जीरो, यस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, वैल में क्या पड़ा हुआ है वन पड़ा हुआ है, वन इज लेस देन डेटा i माइनस वन, डेटा i माइनस वन में क्या है i के अंदर अगर थ्री पड़ा हुआ है तो i माइनस वन में टू पड़ा हुआ होगा, डेटा टू जो है वो हमारे पास सेवन है, वन इज लेस देन सेवन ट्रू। तो अब हम लोग क्या करें, डेटा i में डेटा i माइनस वन कॉपी कर रहे हैं, तो हमारे पास i में थ्री है, हमारे पास थ्री सेवन जो है वो इंडेक्स थ्री पे चला जाएगा। फिर आई को डिक्रीमेंट कर देते हैं, आई के अंदर अब जो है पहले हमारे पास टू पड़ा हुआ था, अब आई के अंदर हमारे पास सॉरी थ्री पड़ा हुआ था, अब आई के अंदर टू आ जाएगा। फिर देखेंगे हमारे पास वन इज लेस देन फाइव, यस वन इज लेस देन फाइव, तो फिर सेवन की जगह पे हम लोग फाइव को ले आएंगे, ठीक है, और फिर हम लोग आई को डिक्रीमेंट कर देंगे, आई के अंदर वन आ जाएगा, आई इज स्टिल ग्रेटर देन जीरो, और फिर देखते हैं वन इज लेस देन टू, यस वन इज लेस देन टू, तो फिर हम लोग क्या करेंगे टू को इस जगह पे ले आएंगे, ठीक है। अब फिर आई को डिक्रीमेंट करेंगे, आई के अंदर हमारे पास जीरो आ गया, और फिर हम लोगों ने देखा जीरो इज ग्रेटर देन जीरो फॉल्स, अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, लूप से बाहर आएंगे, आई के अंदर जीरो पड़ा हुआ, इंडेक्स जीरो पे हम लोग वन स्टोर करा देंगे। तो अपेरेंटली हमारे पास ये जो लॉजिक है इट इज़ वर्किंग फाइन, तो ये इंसर्ट का फंक्शन हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया।